यूपी में उन्नाव कांड के बीच गोरखपुर से सामने आई घटना ने दिल को झकझोर कर रख दिया है। सबके सामने पत्नी को खींचकर पिटाई करते हुए ये नजारा सामने आया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर के सिकरीगंज इलाके से, जहां पर सिर्फ एक पत्नी को इसलिए पति ने बेदर्दी से सबके सामने पीटा क्योंकि पीड़िता के घर वाले दहेज की मांग को पूरा नहीं कर पा रहे थे। सोचिए, जब सीएम योगी के गढ़ में ही इस तरह महिलाओं के हालात हैं, तो फिर पूरे सूबे में महिलाओं का क्या हाल होगा। तो वहीं पति ने इतनी बेदर्दी से अपनी पत्नी को पीटा है कि उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़िता का नाम पूजा सिंह बताया जा रहा है, जिसकी शादी साल 2016 में हुई थी। मायके वालों का कहना है कि शादी के बाद से ही ससुराल वालों ने दहेज के लिए बहू को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया था। तो वहीं सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इस वीडियो का संज्ञान पुलिस ने लिया और सीओ रचना मिश्रा ने इस बात की जानकारी दी है। सिटीजन में एक मामला वीडियो वायरल हो रहा है, जहां एक पति ने अपनी पत्नी को बेरहमी से पीटा है। पत्नी का इलाज गोरखपुर जिला अस्पताल में चल रहा है। प्रकरण की जानकारी अभी जल्द ही हुई है और इसमें मुलजिम को 151 में चालान करके भेजा गया है। जैसा कि बता रहे हैं कि चोटें सीरियस है, क्योंकि पहले संज्ञान में हमारे नहीं था। अभी इसमें हम जो भी वाजिब धाराएं हैं उसमें तरमीमी करके सख्त से सख्त कार्रवाई करके उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। दुल्हन ही दहेज है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियां देवी समान है। क्या ये स्लोगन वाकई वास्तविकता के धरातल पर खरे उतर रहे हैं? अगर नहीं, तो फिर हमें ऐसे झूठे ढोंग से खुद को बाहर लाना होगा, क्योंकि जब तक सोच में बदलाव नहीं होगा, तब तक देश में बदलाव नहीं होगा। SPN 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।